एक पुलिस वाले ने अपने बेटे के लिए करी चोरी। सो स्वैग से करते हैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत, अपने दिलों को जीत हम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। सो एक मंदिर में हो जाती है एक मूर्ति की चोरी। वहां पुलिस वाले पहुंचते हैं और उसका जूनियर कहता है, सर क्या हमें रिपोर्ट लिखनी है? सो बड़ा पुलिस वाला कहता है, नहीं, अगर ये बात गाँव वालों के सामने आई तो पूरा गाँव में दंगे हो जाएंगे, इसीलिए पुलिस वाले केस को दबा देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रजनीकांत सर जो अपने रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे अपने बेटे और पोते के साथ, और वो अपने पोते की व्लॉग बनाने में भी डेली मदद करते थे। तो इससे हमें एक चीज देखने को मिलती है कि व्लॉगर्स हमें मूवी में भी देखने को मिल रहे हैं। जलवा है हमारा। और सीन मुत्तुवेल के बेटे अर्जुन पे शिफ्ट होता है, वो इस केस पे काम कर रहा था। एक बड़ा गुंडा उसे मना करता है इस केस में पढ़ने के लिए, क्योंकि वो इसे बताता है इस केस में बहुत बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, वो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिला सकते हैं। लेकिन अर्जुन नहीं मानता, वो फिर भी इस केस के ऊपर काम करता है और बाद में लोग मुत्तुवेल को किडनैप कर देते हैं अर्जुन को डराने के लिए। लेकिन अर्जुन को उसके बाप की पावर पता थी। बाद में मुत्तुवेल उन सब गुंडों को मार देता है, और जब बड़ा गुंडा फोन करता है तो मुत्तुवेल उसे कहता है कि मेरे बेटे को इस बारे में कुछ भी मत बताना क्योंकि वो डर जाएगा। इसे कहते हैं ना रजनी सर का असली स्वैग। क्यों हिला डाला ना? सो इसके बाद एक लेडी कांस्टेबल जो अर्जुन के नीचे काम करती थी वो मुत्तुवेल को आके कहती है कि अर्जुन सर को इस केस में पढ़ने से मना कर दीजिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फिर बाद में मुत्तुवेल अपने बेटे को मनाने की कोशिश करता है कि बेटा तुम इस केस में मत पढ़ो क्योंकि हमारी भी एक फैमिली है। लेकिन अर्जुन नहीं मानता, वो अपने बाप पे गया था, वो कहता है अगर आप भी मेरी जगह होते तो आप भी नहीं मानते। सो इसके बाद कुछ दिनों बाद मुत्तुवेल को अर्जुन के मरने की खबर पता चलती है कि अर्जुन गुंडों के हाथों मारा गया। सो मुत्तुवेल के पूरे परिवार को अर्जुन की मौत के बारे में पता चलता है, उसको पूरा परिवार मौत की खबर सुन के टूट जाता है। सो बाकी लोग गम में गम बुलाने के लिए दारू पीते, पर हमारे मुत्तुवेल तो अलग ही थे। वो सीधा गुंडे के बॉस के पास पहुंच जाते और उससे अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। सो गुंडा सरकैज़म में कहता है, अगर मेरे आदमी ने तेरे लड़के को मारा होगा तो मैं उनसे पूछ के तेरे को बता दूंगा क्योंकि अभी मेरा आदमी मलिका के पास है। मलिका कौन है आपको मूवी में पता चल जाएगा। तो वो कहता है अगले हफ्ते मेरी भी मलिका के साथ मीटिंग है, मैं तब तक तुझे बता दूंगा। इसके बाद रजनी सर वहां से बड़े गुस्से में जाते हैं, और इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक टैक्सी ड्राइवर था जो हमेशा ठोकने की कोशिश करता था, पर इस बार वो नहीं ठोकता, ब्रेक मार देता है। तभी रजनी सर उसे कहते हैं कि मेरे को चल मलिका के पास ले चल। तो टैक्सी ड्राइवर को लगता है कि मुत्तुवेल की जवानी बार मार रही है, वो उसे कहता है चला मैं तुझे ले चलता हूँ मलिका के अड्डे पे। सो मुत्तुवेल उस मलिका के अड्डे पे जाके उस गुंडे के बॉस को मार देते हैं और उसकी लाश को बोरी में डालकर वहां से वापस लाते हैं। पहले तो टैक्सी ड्राइवर को लगता है कि ये कूड़ा कबाड़ा होगा, तो जब वो उसकी मदद से मिलकर उसे नदी में फेंकते हैं पुल से नीचे, ड्राइवर के हाथ पे कुछ खून लग जाता है, और जब वो गाड़ी के अंदर आके देखता है कि ये खून है, उसके डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। और इसके बाद मुत्तुवेल पूरा शांत रहने की कोशिश करते हैं एकदम चिल, और उसके बाद मूवी के मेन विलन वर्मा को पता चलता है कि उसका आदमी मारा गया। वो मुत्तुवेल के पूरे परिवार को मारने का ऑर्डर देते हैं अपने आदमियों को। और इसके बाद मुत्तुवेल अपने पोते के साथ आइसक्रीम खा रहा था, लेकिन कुछ गुंडे आके उसके पोते को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुत्तुवेल उसे बचा लेता है। और इसके जस्ट बाद मुत्तुवेल को फोन आता है वर्मा का, वो कहता है इस बार तो तूने बचा लिया लेकिन कब तक बचा पाएगा। मुत्तुवेल वर्मा को उससे मिलने के लिए कहते हैं और कहते हैं प्लीज इसमें मेरे परिवार को मत घसीटो, मैं तुमसे आगे पर्सनली माफी मांग लूंगा। लेकिन वर्मा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं पहले तेरे पोते को मारूंगा, फिर उसकी माँ को, और फिर तेरी बीवी को, जब लास्ट में मैं तुझे मार जाऊंगा ना उसी दिन मेरी तेरे से मीटिंग होगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिन लोगों ने उसके पोते को मारने की कोशिश करी थी मुत्तुवेल को, वही लोग दिखते हैं। वो लोग मुत्तुवेल का पीछा करते उसे चिढ़ाते हैं कि बुढ़े बताना तू क्या करेगा, और लास्ट में मुत्तुवेल कुछ नहीं कहते, बस उनमें से एक की गर्दन काट देते हैं और दूसरे के गले में चाकू डाल के उसे मार देते हैं। और उसके बाद वो अपने परिवार को एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और डॉक्टर की मदद से उन्हें वहीं पर रखते हैं। और इसके बाद वो अपने एक आदमी रावण से मिलने जाते हैं, और रावण उनकी निरिस्पेक्ट करता था कि उसके एक आदमी ने मुत्तुवेल से बदतमीजी कर दी थी, और बस इतनी सी बात के लिए रावण ने उस आदमी को पंखे से उल्टा लटका दिया था। और जितनी बार मुत्तुवेल उसे छोड़ने के लिए कहते हैं रावण पंखे की स्पीड बढ़ाता है, और वो आदमी कहता है भाई आप जो काम करना है वो करके जाइए वरना स्पीड बढ़ाते रहेंगे। बाद में मुत्तुवेल को शार्प शूटर उसके साथ लेके जाता है, और उसके बाद वर्मा बहुत गुस्से में था, उसने मुत्तु की फैमिली का पता लगा लिया था, वो हॉस्पिटल में जाता है उसकी फैमिली को मारने के लिए, और वो गेट पे लात मारने वाला था। उससे पहले वो मुत्तुवेल को फोन लगाता है वीडियो कॉल, और वो फैमिली का कमरा दिखाता है। उसे लगता है कि मुत्तुवेल डर जाएगा और भीख मांगेगा अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए। मुत्तुवेल उसकी स्मगल करी हुई मूर्तियां दिखाता है। वर्मा एक्सीडेंट के लिए रुक जाता है, लेकिन उसे अपनी ईगो कॉम्प्रोमाइज करनी पसंद नहीं थी। वो कहता है कोई नहीं, मैं 10 करोड़ का नुकसान झेल लूंगा लेकिन इसकी फैमिली को मार के जाऊंगा। और उसके जस्ट बाद मुत्तुवेल उसे उसकी सारी अगली डील्स की लोकेशन बताते हैं, और इसके बाद वर्मा को रुकना पड़ता है। वो कहता है बता क्या करना है, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। और मुत्तुवेल कहता है मैं एक ही शर्त पर कॉम्प्रोमाइज करूंगा, तुझे मेरी फैमिली से 10 रुपए की भीख लेके आनी पड़ेगी। वर्मा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, और उसे भीख मांगनी पड़ती है। और इसके बाद वर्मा और गुस्से में आ जाता है और मुत्तुवेल की फैमिली को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे भेजता है। और इसके बाद हमें हमारा इस मूवी का बहुत ही एपिक सीन देखने को मिलता है जिसमें मुत्तुवेल अपनी पूरी फैमिली को डाइनिंग टेबल पर बैठाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं बदला लेने पर बिलीव करता हूँ, जिसने मेरे बेटे को मारा मैंने उसे मार दिया है। और इस सीन में एक एक करके गुंडे उसकी फैमिली को मारने आ रहे थे, और इस सीन से पहले ही मुत्तुवेल ने अपनी फैमिली को कह दिया था कि तुम्हें इस चेयर से 1 इंच भी नहीं हिलना है। और उसके बाद गुंडे एक एक करके उन्हें मारने आ रहे थे, लेकिन शार्प शूटर जो बहुत दूर से घात लगा के बैठे एक एक करके गुंडों को मारते जाते, और एक भी गुंडा मुत्तुवेल की फैमिली को छू भी नहीं पाता। और इसके बाद वर्मा और गुस्से में आ जाता है और वो कामदेव को कहता है तूने कैसे गुंडे भेजे, इतने कमजोर गुंडे भेजे कि उसने सबको मार दिया।
पर कामदेव कहता है मैं कितने भी गुंडे भेजूं उनका कोई फायदा नहीं, अगर मुझे पहले पता होता कि तू जेल के घर गुंडे भेज रहा है तो मैं गुंडे भेजता ही नहीं। सो वर्मा कहता है ऐसा क्या है उसमें, वो एक पुलिस वाले का बाप ही तो है। उसके बाद कामदेव कहता है तूने उसका वो रूप नहीं देखा जो मैंने देखा है, अगर तूने वो रूप देखा होता तो तू भी ये गलती नहीं करता। सो उसके बाद हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, उनका पास्ट में नाम टाइगर था, सब उन्हें टाइगर के नाम से जानते थे। और जेल में कुछ कैदी उत्पात मचा रहा है तो एक कैदी उनसे बहस करता है, वो उस कैदी का कान काट देते हैं। और उस जेल में सभी जेलर से डरते थे और उस जेल में कामदेव भी थे। और उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, उसके बाद कामदेव उसे बताता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी। और वर्मा गुस्से में कहता है मेरे पास अभी 100 आदमी हैं, मैंने एक दूसरे गुंडे से बुलवा रखे हैं ये सारे आदमी। कामदेव कहता है तुझे क्या लगता है ये सारे आदमी तेरे लिए आए हैं, ये तेरा साथ देंगे? बिल्कुल नहीं। और जैसे ही जेलर की गाड़ी आती है ये सारे गुंडे उसके साथ हो जाते हैं। और मुत्तवेल आके सीधा वर्मा की छाती पे लात मारता है। और जब वर्मा को पता चल गया था कि वो मरने वाला है, वो अपना एक मास्टर कार्ड खेलता है, वो वीडियो कॉल पे उसके बेटे को दिखाता है, कहता देख मैंने तेरे बेटे को जिंदा रखा था क्योंकि मुझे पता था ये कभी ना कभी मेरे काम आ सकता है, और देख आज मेरी इससे जान बच जाएगी। और उसके बाद मुत्तवेल थोड़ा शांत होते हैं और वर्मा एक शर्त रखता है उसके बेटे को छोड़ने के लिए। वो कहता है अगर तुझे तेरा बेटा जिंदा चाहिए तो तुझे एक कीमती क्राउन चुराना पड़ेगा। और मुत्तवेल अपने बेटे को हर हालत में बचाना चाहते थे, वो उस क्राउन को चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देख आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसे एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहे हैं, सो गाइस जो HD प्रिंट होता है ना उसकी इमेजेस यूज करने पे हमारे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो जैसे इस मूवी के HD प्रिंट आएंगे हम पूरा एक्सप्लेनेशन भी जरूर लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप इसे एंजॉय करिए। ये भी ठीक है। और वर्मा अपने बाद में 2 आदमी उसके साथ भेजता है उसमें नजर रखने के लिए। और बाद में ये लोग पता लगाते हैं कि ये लोग प्रिंस क्राउन को कैसे देख सकते हैं, तो इन्हें पता चलता है ये लोग 5 लोगों की मदद से उस क्राउन को देख सकते हैं। पहला PM, दूसरा प्रेसिडेंट, तीसरा सचिन तेंदुलकर और चौथा अमिताभ बच्चन और 5वां ब्लास्ट मोहन। तो ये लोग ब्लास्ट मोहन के बारे में पता लगाते हैं और इन्हें पता चलता है ब्लास्ट मोहन एकदम कैरेक्टर आदमी है और वो एक कामना नाम की लड़की से प्यार करता है, सिर्फ उस लड़की के प्यार के लिए एक मूवी बनाना चाहता है, वो एक डायरेक्टर भी हायर करता है। सो बाद में डायरेक्टर को मुत्तवेल ब्लैकमेल करता है और एक क्राउन चोरी का सीन शूट कराता है और इसके बाद वो लोग इस सीन को वायरल करवा देते हैं। और इसके बाद गवर्नमेंट को ब्लास्ट मोहन पे शक होता है कि इसने क्राउन चोरी करवा लिया है। और इसके बाद गवर्नमेंट उस क्राउन को चेकिंग के लिए गाड़ी से पुणे भेज रही थी और इसी बीच मुत्तवेल उसको चोरी करने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे चुरा लेते हैं। और इन सब में बहुत सारे आर्मी वाले मारे जाते हैं। और इसके बाद वो क्राउन वो वर्मा के लोगों को देता है और वो लोग क्राउन लेके चले जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये पूरा सीन मुत्तवेल ने बनाया था, कोई भी नहीं मारा था, ये पूरा फेक सेटअप था और क्राउन भी कोई चोरी नहीं हुआ था, वो सब फेक था। और बाद में ब्लास्ट मोहन भी वहां से बच जाता है। और इसके बाद एक पुलिस वाला पूछता है सर ये सेटअप बड़ा मुश्किल था पर आपने ऐसे क्यों किया, हम रियल क्राउन को भी तो चुरा सकते थे। बाद में मुत्तवेल कहता है मैं चोर नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ, मैं चोरी नहीं करूंगा। और इसके बाद मुत्तवेल हमें बताता है ये पूरा का पूरा उसका सेटअप था, उसने किसी को भी नहीं मारा था, सबके सब लोग जिंदा थे, ये सब उसका एक सेटअप था वर्मा के लोगों को पागल बनाने के लिए। और इसके बाद ब्लास्ट मोहन भी बच जाता है क्योंकि ये सब फेक था, कोई प्रिंस का क्राउन चोरी नहीं हुआ था। और इसके बाद उन लोगों ने क्राउन में एक छोटा सा कैमरा लगाया था जिससे हमें एक चीज पता चलती है कि जो वर्मा का बेटा था वो एक करप्ट पुलिस वाला था, वो स्टार्टिंग से वर्मा के साथ मिलना चाहता था। और वो वर्मा को एक ऑफर देता है कि तू मेरे से मिल जा नहीं तो मेरे पापा तुझे मार देंगे और मैं ही तेरे लिए एक ढाल हूं, मैं तुझे बचा सकता हूं कि गुस्से से क्योंकि वो मेरे पे भरोसा करते हैं। और बाद में उसका बेटा कहता है अगर मेरे बाप ने तुझे क्राउन दिया है तो इसे तेरे से वापसी देने का कोई प्लान जरूर बनाया होगा। तो वर्मा मान जाता है उसे अपने साथ रखने के लिए। और इसके बाद वर्मा उसके बेटे को मुत्तवेल के पास भेजता है और मुत्तवेल जैसे अपने बेटे को देखता है उससे कुछ बात करता है, उससे कहता है तो पुलिस को सारी चीजें सच बता दे। मुत्तवेल का बेटा कहता है पापा अगर ये पता चलेगा कि ये केस भी आपने सॉल्व किया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, आप मेरे पे चीजें छोड़ दीजिए मैं सुलझा लूंगा। और इस सीन के दौरान 2-3 दिन तक लगातार मुत्तवेल अपने बेटे से बार बार पूछता है बेटा पापा को कुछ बताना है, और हर बार मुत्तवेल के बेटा मना कर देता है। और इसके बाद वर्मा को पता चल जाता है कि उसे जो क्राउन मिला है वो नकली है और वो अपने दोनों विश्वासु आदमियों को जान से मार देता है। और मुत्तवेल के इस धोखे के बाद वर्मा की आंखें बदले के लिए तड़प रही थी। इसमें एक चीज तो कहूंगा, एक चीज तो माननी पड़ेगी, जो इस मूवी में विलन बना ना बंदा भाई साहब एकदम रियल क्रिमिनल लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है गए हैं तिहाड़ और भाई किसी उसको लेके आए कैदी को कि भाई चल हमारे लिए एक्टिंग कर हम तेरी थोड़ी सजा कम करा देंगे। मतलब भाई लिटरल एक्टिंग को भाई सल्यूट है भाई, मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर बनाया भाई, मजा आया। आने वर्मा अर्जुन को बताता है कि तेरे बाप ने मुझे नकली क्राउन दिया था, मैं तुझे मार दूंगा। इसके बाद मुत्तवेल अपने बेटे को आके बचा लेते हैं, लेकिन वर्मा के पास एक मास्टर कार्ड था, उसने अपने आदमी मुत्तवेल की फैमिली को मारने के लिए भेज रहे थे। लेकिन मुत्तवेल अभी भी टेंशन फ्री था क्योंकि रावण वहां पे उसकी फैमिली को बचाने के लिए था और एक गुंडे को चुन चुन के मार देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि अर्जुन अभी भी अपने बाप से झूठ कह रहा था। मुत्तवेल अपने बेटे को समझाता है कि बेटा सब सच बता के सरेंडर कर दो, लेकिन उसका बेटा कुछ भी नहीं मानता, वो कहता है पापा मैं सुधर जाऊंगा, और वो अपने बाप को मारने की कोशिश करता है। लेकिन लास्ट में मुत्तवेल को ना चाहते हुए भी अपने बेटे को मारना पड़ता है और वो अपने बेटे को मार देते हैं। तो अब बात करते हैं कि मूवी कैसी थी। मुझे तो मूवी काफी बढ़िया लगी, मैं मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था, लोग कुछ कम थे इस मूवी के लिए पर बाद में इस मूवी की बहुत पब्लिसिटी बहुत ही बढ़िया थी। और हाँ, इस मूवी में जो हमने शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन करी है इसमें हमने एक कैमियो के बारे में नहीं बताया जो कि है मोहनलाल सर का। सो हम उस कैमियो के बारे में मेरी फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। सो मेरा कहना है आप लोगों को इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस है। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।